नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी रायता, और इस रायते को हम बनाएंगे पपीते से। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैंने 1 किलो का ये पपीता लिया हुआ है, तो हमें पूरा देखिए इसको 2 भागों में हम काट लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पका पपीता नहीं लेना है, कुछ इसी तरीके से लेना है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का है। तो अब इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसके टुकड़े किए हैं, और ऊपर से इसका ये पोर्शन है, इसको हटा देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कड़वापन रहता है, इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसका छिलका उतार देते हैं, तो छिलका भी हमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर नहीं लेना है, अच्छे से हमें छिलका इसका निकालना है। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से इसका छिलका भी निकाल देना है। तो मैंने ये सब छिलके इसके निकाल दिए, ऊपर का भी पोर्शन निकाल दिया। अब इसको हम अच्छे से धुल लेते हैं क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, कड़वापन से निकल जाए। अब हम एक कद्दूकस लेंगे और कद्दूकस की सहायता से इसको अच्छे से कस लेंगे। ये बड़ी आसानी से कस जाता है क्योंकि ना ये ज़्यादा पका हुआ है और ना ज़्यादा कच्चा है, और इसको हमें उबालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पका हुआ पपीता है। वैसे भी पपीता खाया जाता है और ये हेल्दी तो होता ही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, पर इस तरीके से इसमें जो चीज़ें हम डालेंगे तो ये और हेल्दी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा क्रस करेंगे जिससे कि और बढ़िया से ये हो जाए। तो अब हम इसमें दही डाल देते हैं। तो मैंने 250 ग्राम पपीता में 250 ग्राम दही लिया हुआ है, और दही ज़्यादा खट्टा ना लें, बहुत ज़्यादा खट्टा दही ना लें क्योंकि ज़्यादा खट्टा दही का रायता अच्छा नहीं बनता है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है, पर ये अभी हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा और दही डाल देते हैं। तो ये घर का जमाया हुआ दही है, बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मैंने कुछ लिए मसाले जो इसमें हम डालेंगे, तो हम जीरा और हींग को छोड़ करके हम सब मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मैंने 1/2 चम्मच काला नमक लिया है और 1/2 चम्मच मैंने सफ़ेद नमक लिया जो सब्जी में डाला जाता है, 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया हुआ है, और मैंने 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया हुआ है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, इससे रायता बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप कोई भी रायता बनाएं उसमें ये ज़रूर डालें। और लाल मिर्च ली हुई है, और जीरा लिया हुआ है मैंने 1 चम्मच, और हींग ली हुई है। तो सब जीरा और हींग को छोड़ करके हम सब मसाले इसमें मिक्स कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा वीडियो मिस हो गया है, तो मैंने सब इसमें मसाले डाल दिए हैं। तो अब हम गैस ऑन करेंगे और तड़का बना लेते हैं। तो गैस ऑन करेंगे, इसमें देसी घी मैंने डाला हुआ है और इसमें जीरा डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं हींग। आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, तेल से इसका तड़का दे सकते हैं, पर मैंने इसमें घी का दिया हुआ है। तो देखिए तड़का तैयार है, तो मैंने इसमें देखिए तड़का लगा दिया है। तो यदि आप इस तरीके से तड़का लगाएंगे तो रायता बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो 1 मिनट के लिए हम ढक देते हैं इसको। देखिए बढ़िया सा तड़का लग गया है और मसाले भी मैंने इसमें मिला दिए हैं। तो 1 मिनट के लिए ढकने के बाद अब देखिए मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी है और इसको मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से यदि रायता बनाएंगे तो इसका रायता बहुत खट्टा मीठा बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। वैसे भी पपीता हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद और पेट के लिए भी, लेकिन इसमें जो मैंने मसाले डाले हुए हैं उससे ये और हेल्दी हो जाएगा और फायदेमंद हो जाएगा। तो ये पेट के लिए तो बहुत ही बढ़िया रायता है, आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। तो इसमें हम लाल मिर्च डाल देते हैं। तो देखिए बढ़िया सा रायता हमारा बनकर तैयार है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इस रायते को आप रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ या खाने के साथ साइड डिश के रूप में भी इसको बना सकते हैं। तो यदि ये हमारी रायते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
कमेंट्स करें। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।